हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, ये हम इस वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसमें सेल्स जो होती है वो एक शीट लाइक अरेंजमेंट में होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, है ना। ये कैसे दिख रही है, एक शीट लाइक अरेंजमेंट। तो एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो है, दे आर हैविंग द शीट लाइक अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये जो शीट है वो सिंगल लेयर भी हो सकती है या फिर इस टाइप से मल्टीपल लेयर्स की भी सेल हो सकती, उसको भी हम एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेल्स है, ये सेल्स सभी जो है आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होती है, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती है, क्लोजली पैक्ड। ओके, पहला पॉइंट क्या हो गया कि शीट लाइक अरेंजमेंट, दूसरा हो गया आपका सिंगल और मल्टीपल शीट या मल्टीपल लेयर बोल सकते हैं हम। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया कि ये क्लोजली पैक्ड है और ये एक दूसरे से जो है जंक्शंस के थ्रू, है ना, बहुत सारे जंक्शंस के थ्रू जो है ये इस टाइप से आपस में कनेक्टेड रहती है। एपिथेलियल टिश्यू इस टाइप से सेल्स के बीच में कनेक्शन या जंक्शन होता है। ठीक है, ये इस टाइप से जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड रहेगी। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया आपका, फोर्थ पॉइंट हो गया कि हेल्ड टुगेदर बाय मेनी जंक्शंस। तो देर आर मेनी जंक्शंस विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेल जंक्शंस क्या है ये हम हमारे सेल वाले चैप्टर के वीडियोज में समझ चुके हैं। ठीक है, अब जनरली ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, दे फॉर्म्स, वो क्या बनाती है, दे फॉर्म्स कवरिंग एंड लाइनिंग, कवरिंग एंड लाइनिंग थ्रू आउट द बॉडी। ओके, थ्रू आउट द बॉडी मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका स्टमक है। ठीक है, तो इसके बाहर साइड में जो लेयर रहेगी वो इसकी कवरिंग कहलाएगी और वहीं इनर साइड में जो लेयर रहेगी, एपिथेलियल टिश्यू रहेगी, वो लाइनिंग कहलाएगी। तो ये कवरिंग भी बनाती है और लाइनिंग भी बनाती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात खास रहेगी कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो किसी और टिश्यू से कवर्ड नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब इसके बाहर यहाँ पे कोई भी टाइप की लेयर प्रेजेंट नहीं रहेगी या कोई टाइप की टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो हम यहां पे बोल सकते हैं नॉट कवर्ड बाय अनादर टिश्यू। ये किसी और टिश्यू से कवर्ड नहीं रहेगी, ये आउटर मोस्ट लेयर रहती है। ठीक है, अब ये आउटर मोस्ट लेयर है तो सीधी सी बात है कि इसीलिए इसमें जो है एक फ्री सरफेस हमेशा होता है। जैसे यहां पे देखिए कि ये अगर लास्ट लाइनिंग है तो ये वाला जो फेस रहेगा इसका, ये कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। या कवरिंग की भी बात कर ले तो ये आउटर साइड की जो लेयर रहेगी या एक फेस जो रहेगा वो कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। तो एक फ्री सरफेस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं फंक्शंस की। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये सिलेक्टिव बैरियर बनाती है, सिलेक्टिव बैरियर बनाती है। दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म करती है सिक्रेशन का, या सिक्रेटरी फंक्शन होता है। ठीक है, और तीसरा जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो है प्रोटेक्शन का। ठीक है, सिलेक्टिव बैरियर बोलने का मतलब क्या है कि यहां पे ये लिमिट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ दी बॉडी, है ना। ये एक बैरियर का काम करता है। बैरियर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज को जो है एक दूसरे के या किसी भी चीज के आर पार आने से रोकता है, है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं लिमिट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ दी बॉडी, बॉडी के अंदर या बाहर आने को ये बैरियर प्रोड्यूस करता है या बैरियर का काम करता है। स्किन, स्किन के बाहर कोई चीज नहीं आ सकती और अंदर कोई चीज नहीं आ सकती। ठीक है,
दूसरा फंक्शन है सिक्रेटरी। सिक्रेटरी का बोलने का मतलब है कि यहाँ पे सिक्रीशन सिक्रेटेड बाय द सेल्स रिलीज्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो जो सेल्स का सिक्रीशन होता है वो एपिथेलियल टिश्यू के फ्री सरफेस पे सिक्रेट होता है, ठीक है। तो सिक्रीशंस जैसे आपका स्वेट ग्लैंड जो है वो स्किन पे अपना सिक्रीशन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, बाय सेल्स रिलीज्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ओके। और लास्ट जो फंक्शन है प्रोटेक्शन, तो ये जनरली जो है किसी भी सरफेस को या ऑर्गन को या हॉलो स्ट्रक्चर को या बॉडी को जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जिससे कि एब्रेशन जो है वो रेजिस्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन टू दी सरफेस, जिस भी सरफेस पे प्रेजेंट रहेगी वहां पे ये उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, ठीक है। अब जैसे हम अगर टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें, एपिथेलियल टिश्यू की बात चल रही है यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सेल्स बनाता हूँ, जैसे ये एक सेल हो गई, ठीक है, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, ये चौथी सेल हो गई, ये इनके न्यूक्लियस हो गए, है ना। तो शीट ऑफ सेल को हम क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसके बारे में हम अभी दो मिनट में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सेल्स और ये आपकी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको तीन सरफेस नजर आएंगे। पहला तो जो है ये अपाइकल सरफेस जो कि आपका फ्री होता है, इसको हम बोलेंगे अपाइकल सरफेस, ठीक है। लैटरल सरफेस मतलब ये साइड वाला, ये आपका हो गया लैटरल सरफेस, ठीक है ना, ये सेल का लैटरल सरफेस, ये और ये, ठीक है। इस सेल की बात करें तो ये वाला लैटरल सरफेस हो गया और ये वाला लैटरल सरफेस, इस सरफेस की इस सेल की बात करें तो ये लैटरल सरफेस हो गया और ये लैटरल सरफेस हो गया, है ना। और एक होता है बेसल सरफेस जो कि नीचे की तरफ होता है ना, ये हमेशा अपाइकल के अपोजिट साइड में रहेगा। अब यहाँ पे जो अपाइकल सरफेस होता है इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा कैसा होता है, फ्री होता है, ये आउटर मोस्ट है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। सामने पहले भी डिस्कस किया है कि एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैविंग अ फ्री सरफेस, तो ये फ्री सरफेस होता है जिसको हम अपाइकल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा किस साइड में रहेगा, अपाइकल सरफेस ये आपका रहेगा बॉडी सरफेस के साइड पर, करेक्ट, या तो फिर बॉडी कैविटी या तो फिर किसी भी ऑर्गन का इंटरनल साइड जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, है ना। जैसे मैंने बनाया था अभी स्टमक का डायग्राम, तो स्टमक के अंदर साइड में अगर है तो ल्यूमेन को फेस कर रहा है, अगर बॉडी के सरफेस पर है तो ये अपाइकल सरफेस बॉडी के सरफेस साइड पर रहेगा। अब यहाँ पे ये अपाइकल सरफेस में सीलिया भी प्रेजेंट हो सकता है या तो फिर ये माइक्रोविलाई के फॉर्म में भी हो सकता है, ओके। अब बात करते हैं हम लैटरल सरफेस की। लैटरल सरफेस जो है वो ये साइड वाला है, लैटरल मतलब साइड होता है, तो ये लैटरल सरफेस जो है इसके बारे में आप देख लेंगे कि ये एडजेसेंट सेल के साइड में होती है, ये एडजेसेंट सेल हो गई, है ना, इसके लिए ये एडजेसेंट सेल, इसके लिए ये और ये एडजेसेंट सेल्स हो गई, है ना। तो ये हमेशा एडजेसेंट सेल के साइड में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एडजेसेंट सेल्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में इसकी क्या रहेगी, एडजेसेंट सेल्स रहेगी। अब ये जो लैटरल सरफेस है इसमें प्रेजेंट क्या क्या रहता है, इसमें रहते हैं प्रेजेंट जंक्शंस, यहाँ पे आपके जंक्शंस प्रेजेंट रहेंगे कई सारे, ठीक है। और ये जंक्शन जैसे आप टाइट जंक्शन, अधेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम या गैप जंक्शंस जो है यहाँ पे लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ये बेसल सरफेस की। बेसल सरफेस जो है ये अपाइकल सरफेस के अपोजिट साइड में रहेगा, ये हमेशा डीपेस्ट लेयर रहेगा, सबसे अंदर वाली लेयर रहेगी बेसल सरफेस, ठीक है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को अधेर रहती है, ठीक है, तो अधेर टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन को अधेर रहेगी। और लास्ट में
यहां पर आपको हेमिडेस्मोसोम्स देखने को मिलेंगे जो कि एक सेल जंक्शन का टाइप्स है। हेमिडेस्मोसोम का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका है। तो ये बेसल लेयर की प्रॉपर्टीज हो गई। ये हो गई एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है उनके बारे में बात, ठीक है ना। अब यहां पर बात करते हैं हम जो नीचे में लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी कहलाती है थिन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर। क्योंकि ये पतली होती है और सेल के बाहर होती है, इसलिए हम इसको थिन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहां पर सेल्स बनाता हूं, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स, ये इस टाइप से मैंने कुछ सेल्स बना दी, ठीक है। इनके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके नीचे में प्रेजेंट रहने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ये नीचे में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको दो लेयर देखने को मिलेगी। एक जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम बेसल लेमिना, ऊपर वाली, और जो नीचे वाली बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर लेमिना। दो लेयर को मिला के आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ठीक है। यहां पे लेमिना वर्ड का मीनिंग होता है थिन, पतला, थिन, ठीक है। अब यहां पे ये जो बेसल लेमिना होता है, यहां पर आपके जैसे लेमिनिन प्रेजेंट होता है, ये एक टाइप का प्रोटीन है, आपको लेमिनिन देखने को मिल जाएगा। साथ में इसमें आपको कोलाजेन भी देखने को मिल जाएगा, कहां पे, बेसल लेमिना में, ठीक है ना। और ये रेटिकुलर लेमिना जो है इसमें आपको कोलाजेन देखने को मिल जाएगा, करेक्ट। और ये हमेशा अब जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हो गई और उसके नीचे में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे में यहां पर आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगी। तो ये हमेशा आप बोल सकते हैं क्लोजर टू द कनेक्टिव टिश्यू, कौन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये आपका बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये करता क्या है, तो सबसे पहली बात जो है आपको मैं ये बता दूं कि इट फॉर्म्स अ सरफेस। ये एक सरफेस बनाता है जिसके ऊपर सेल्स जो है वो टिकी हुई रहती है, अधेयर की हुई रहती है, लाई करती है ना। जिसके और यहां पर जो है एपिथेलियल सेल जो है ग्रोथ के टाइम पे माइग्रेट भी करती है, ठीक है। तो ये पहली बात तो सरफेस बना रहा है। दूसरा, ये रेस्ट्रिक्ट करता है पैसेज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। लार्जर मॉलिक्यूल के पैसेज को ये कंट्रोल करता है ना। कहां पे, अब जैसे यहां पे अपन देख रहे हैं ये बेसल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ऊपर में आपको एपिथेलियम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है एपिथेलियम, और नीचे में है कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां से कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम के बीच में लार्जर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कर रहा है। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो हम ये बोल सकते हैं कि इट पार्टिसिपेट इन फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कैसे करता है, फॉर एग्जांपल इन किडनी, ये किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको तीन बातें मैं स्पेशली नोट कराना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इट इज अवैस्कुलर इन नेचर, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है ना। तो ब्लड सप्लाई नहीं होता है लेकिन इसमें नर्व्स प्रेजेंट होती है, सो हैज ओन नर्व सप्लाई। इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसलिए हम इसको अवैस्कुलर बोल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि इसमें हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन होता है, क्योंकि ये
आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसकी वजह से इसका एब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें सेल डिवीजन का रेट जो है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, ये तीन बातें आपको याद रखनी है बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपकी बेसिकली दो टाइप की है। पहला तो टाइप हम बोलेंगे, पहला टाइप है आपका कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, करेक्ट। और दूसरा जो है उसको बोलेंगे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये दो टाइप की एपिथेलियम हमको देखने को मिलती है। तो हम आने वाले वीडियोस में जो है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम का एक वीडियो देखेंगे और एक वीडियो हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम का देखेंगे। ओके, मेरे ख्याल से आपको एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया अच्छे से लग गया होगा। ओके, अब इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम की, और उसके बाद बात करेंगे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। थैंक यू।